ठीक है पंडित जी साइड में नीचे साइड में। आप जानते हो उनको? हाँ, जानते हैं। कौन है, क्या नाम है? राहुल। राहुल क्या करते हैं? एक गाने बनाते हैं। अरे गाने बहुत प्यारे लगते हैं। अभी क्या कर रहे हैं, किस चीज के लिए खड़े हैं बताओ? ये हमारे साथ फाजिलपुरिया ने पार्टी के कैंप कार्यालय का किया उद्घाटन। गुरुग्राम लोकसभा सीट से जननायक जनता पार्टी के चुनाव के चुनावी उम्मीदवार राहुल यादव फाजिलपुरिया ने आज फाजिलपुरिया सेक्टर 71 एवं खानसा रोड में पार्टी के अपने कैंप कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर कार्यकर्ता काफी जोश में दिखाई दिए। राहुल फाजिलपुरिया ने कहा कि असली मेहनत का वक्त तो अब शुरू हुआ है। अगले 25 दिन रात दिन एक करके हम दुष्यंत चौटाला के विजन को गुरुग्राम के एक एक व्यक्ति तक पहुंचाना है। आगे देखें पूरी खबर। वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कार्यालय खोला है खानसा रोड पे भूतेश्वर मंदिर के पास गुड़गांव शहर के अंदर। और डे फर्स्ट से पब्लिक का बड़ा अच्छा रिस्पांस आ रहा है। कल हमने नॉमिनेशन भरा और हद से ज़्यादा भीड़ थी जो हमारी उम्मीद नहीं थी। पब्लिक का बहुत प्यार मिल रहा है, हमारा हौसला और बुलंद हो रहा है। हम उसी मेहनत से उसी जोश से हम भी मार्केट में लगे हैं काम करने के लिए। बस इस तरह हौसला बढ़ाए रखें, ये बदलाव की लड़ाई है और बदलाव की जीत हो। अगर मैं शहरी क्षेत्र की बात करूं तो जो व्यापारी लोग हैं, व्यापारी वर्ग है, वो पूरा परेशान है। उनकी गलियों में घरों में उनको हाउस रेस्ट होना पड़ता है जब बारिश आ जाती है। व्यापारियों को परेशान होना पड़ता है जब उनकी दुकानों के आगे पानी भर जाता है, उनके पास ग्राहक नहीं आता। लोगों को परेशान होना पड़ रहा है, उनके पास अच्छे स्कूल नहीं है बच्चों के लिए, उनके पास अच्छे हॉस्पिटल नहीं है, उनको महंगे हॉस्पिटल्स में जाके ज़्यादा पैसे देके अपना इलाज कराना पड़ रहा है। तो हर वर्ग परेशान है। अगर मैं बात करूँ मजदूर वर्ग की, तो बस स्टैंड नहीं है अच्छे, उनके पास कहीं जाने के लिए प्रॉपर साधन नहीं है। अगर मैं बात करूँ युवा की, तो युवा के पास रोज़गार नहीं है, युवा के पास कोई अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं है जहाँ पे वो पढ़े। सब प्राइवेट हो गया है, सबको बेच के प्राइवेट वालों के हाथ में दे दिया। सरकार कोई काम नहीं कर रही है। अब तो उन्होंने एक नया काम और शुरू कर दिया, गाँव गाँव में उन्होंने कूड़ा डाल दिया। अब बीमारियाँ और बढ़ रही हैं, कैंसर जैसी, टीबी जैसी। तो मेरे को लगता है इनकी सबकी मिली हुई चाल है, मिली भगत है। प्राइवेट वालों से इन्होंने शायद कोई साठ गांठ कर ली है कि बीमारियां बढ़ाओ, हमारे पास भेजो और पैसे करो। सर, इलेक्शन के टाइम रहने के बाद भी आप देखे होंगे, आप भी पूरा गुरुग्राम में भ्रमण किए होंगे, तो जगह जगह कूड़े के अंबार लगे हुए हैं। अभी थोड़ा सा बारिश हो जाए तो बाढ़ की स्थिति बन जाए। वही मैं बात कर रहा था कि गाँव के चौक के ऊपर, गाँव के मेन रस्तों पर, अभी तो एक कांटरपुरी के अंदर गौशाला के सामने इन्होंने कूड़ा डाला हुआ था और उसमें आग लगा के छोड़ दिए। खटोला गांव के अंदर कल आग बुझवाई हमने। अब वो जो उस धुएं का
वो जो धुआं जा रहा है उस कूड़े का, उससे कितनी बीमारियां फैल रही हैं, जो वहाँ पे आदमी खड़ा नहीं हो सकता, पूरा गांव, पूरी कॉलोनियां कितनी परेशान है। वो कूड़ा क्यों डाला जा रहा है, मैं पूछना चाहूँगा। यदि आप सांसद बन जाते हैं तो सबसे पहले मुद्दा क्या है, किस पे काम करेंगे आप? मुद्दे 20 साल से जो फंसे पड़े हैं, जो एक आम आदमी के मूलभूत सुविधाएं हैं जो वो नहीं मिल रही है, शुरुआत वहाँ से करेंगे। जैसे कि स्कूल हो गया, हॉस्पिटल्स हो गए, रोड हो गए, महिला सुरक्षा है। जिस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से मैं आता हूँ, युवाओं के लिए, मैं बेरोजगार ख़त्म करने के लिए उनको एक शिक्षा के तौर पे फिल्म सिटी एस्टेब्लिश करके देंगे, जिससे जितना टैलेंट है उसमें आएगा, अपने गांव का, परिवार का, हरियाणा का नाम करेगा, उनको बॉम्बे नहीं जाना पड़ेगा। जो युवाओं में बेरोजगारी का समस्या है उसके लिए क्या करेंगे? उनके लिए अच्छी इंडस्ट्रीज लाएंगे, अच्छी कंपनीज लाएंगे। जो 75% का दुष्यंत जी ने चलाया था कि जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर वो रोजगार देंगे, उसके ऊपर केस भी चल रहा है, तो हम उसके लिए भी डट के आवाज़ उठाएंगे। जो बाहर के लोग आके कर रहे हैं, जो यहाँ के लोकल बच्चों को नहीं मिल रहे हैं, इनको परेशान होना पड़ता है, तो उनके लिए भी हम पूरी मदद करेंगे। सर देखा जाए तो कई उद्योगपति जो कि यहाँ से प्रयाण कर रहे हैं और वो काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ में विद्यासागर जी बैठे हैं, उनको भी मालूम होगा कि क्या स्थिति होती, कभी बिजली का परेशानी, कभी कई कुछ का कुछ भी, तो उसमें कितना आप लोगों का, उसमें आपका सहयोग रहेगा अगर आप सकते हैं तो? सहयोग के लिए आए, और ये बदलाव की लड़ाई है। विद्यासागर जी से जितने भी व्यापारी हैं, जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग, एक साथ होना पड़ेगा। जिन्होंने नाम दिया है साइबर सिटी, ये नाम बदल के क्राइम सिटी होता जा रहा है, तो इसको वापस अगर साइबर सिटी बनाना है तो एक साथ एकजुट होना पड़ेगा। जो आपके समर्थन में है, जो आपके सपोर्ट में है, उनके से क्या उम्मीद है, क्या कहना चाहेंगे? उम्मीद की मैं बात करूं तो अभी तो सबने मेरा इतना हौसला बुलंद किया है, एक युवाओं ने तो आंधी सी चला दी है सपोर्ट में जब वो आए हैं, कि जो हमारे आदरणीय सांसद साहब थे वो कहीं जाते नहीं थे, आपने देखा होगा, एक आंदोलन कर रहे थे हमारे अही रेजिमेंट को लेके, हमारे कुछ 2 साल से बैठे थे वहाँ पे, उन्होंने आज तक समय नहीं दिया था, और युवाओं की ऐसी आंधी चली कि परसों नॉमिनेशन भरते ही वो सबसे पहले वहाँ आए। तो यही बदलाव चाहिए। हमारा मेन मकसद ये है, नेता कोई भी आए, हार जीत भगवान के हाथ में है, जो भी आए वो उसको ये एहसास हो जाए कि जनता के बीच में रहना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, नहीं तो जनता आपकी बार उखाड़ फेंकेगी। फर्स्ट टाइम वोटर के लिए क्या कहेंगे जिनका फर्स्ट टाइम, युवा लोग? देखो, फर्स्ट टाइम के लिए कहूँगा कि आपकी ज़िंदगी की पहली वोट, कहते ना कि खूनदान, अंगदान और एक होता है मतदान, सबसे महान दान होता है मतदान, क्योंकि ये हमारे आने वाले भविष्य चुनेगा, ये हमारे वाले आने वाले पीढ़ी चुनेगा। उनके लिए हमें खुद सोच के, अपने दिल की सोच के, आंखें बंद करके वोट डालनी, सही जगह वोट डालनी, अपने भविष्य के लिए, के अपने आने वाले फ्यूचर। थैंक यू। मैं विद्यासागर, सागर साइंटिफिक इंडस्ट्री का मालिक, माने यहाँ पर ट्रेडिंग काम है सागर सिटी के नाम से। बदलाव आएगा जब, तो बदलाव आप देखोगे कि एक बदलाव आया है, क्या काम होने थे, क्या क्या काम होने, और काम भी होंगे। जो सांसद पहले काम नहीं करते, अब जो सांसद अब चुनके भेजोगे राहुल को, आप फाजिलपुर जाकर, तो वो काम करेंगे आपके, पर काम हम जो भी काम हो उसे मिलकर सब करवाएंगे। एक क्या हो, या व्यापारी भाइयों को दिक्कत है, लाइट की दिक्कत है, किसी चीज़ की दिक्कत है, वो सारे काम बैठ के उनसे कराएंगे। सर आज आपने अपने स्थान पर कार्यालय का भी ओपनिंग किया, क्या करना चाहते? कार्यालय खुलवाया मैंने, उनका स्वागत किया, उनका आगे भी स्वागत होता रहेगा, आगे भी जो काम उनसे कराते रहेंगे, उनके काम करते रहेंगे, सारे काम होंगे। जी जो कि आज जो कि विद्यासागर जी के जो कि कार्यालय ओपन किया गया है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखो ये हमारे पार्टी, हमें पहले मानेसर में खोला है और अब गुरुग्राम में, तो सुबह अपने इधर फाजिलपुर में 3 कार्यालय आज खुले हैं, तो और कल अपने पटौदी में, फरक नगर में खुलेंगे। तो रोज़ हमारा कार्यालय का उद्घाटन करके और जनता के बीच में जा रहे राहुल फाजिलपुरिया को बहुत एक समर्थन, युवाओं का साथ, बड़े बुजुर्गों का बहुत प्यार मिल रहा है। आज 3 कार्यालय कहाँ-कहाँ पे हुए? एक तो फाजिलपुर में, एक मानेसर में और एक अपने गुड़गांव। कांचा।
और कल कहाँ कहाँ पे खुलेंगे? कल फरकनगर में पहले, फिर पटौदी में। आप राहुल जी के साथ गांव गांव शहर शहर आप भ्रमण कर रहे हो, क्या कैसा लग रहा है, क्या माहौल है सर? बता रहा मैं कह रहा हूँ, आप युवा को देखने के लिए, इनके कारण से को देखने के लिए, इनको कहाँ भी जहाँ भी मारे को जरूरत पड़ी है, ये मतलब कभी किसी को मना नहीं करते, चाहे वो अही रेजिमेंट की बात हुई है, चाहे किसानों की बात हुई है, चाहे टोल की बात हुई है, ये हर जगह खड़े पाए हैं। आज इनके लिए जन सैलाब इनके साथ है, युवाओं का बहुत प्यार मिल रहा है और बड़े बुजुर्गों का प्यार मान सम्मान में कोई कमी नहीं है कहीं भी।